हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एक नया टॉपिक, एक नया दुनिया जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसे बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। और इस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। सबने नाम सुना होगा ना कैपेसिटर इससे पहले, या इसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग आखिर ये पढ़ते क्यों हैं। क्या ऐसा मेरे को जरूरत आया कि हम लोग कैपेसिटर पढ़ने आए? तो सुनिए, कैपेसिटर का हम अगर बोले तो अपने रियल लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं। मतलब कि आपको तो अभी बहुत ही लिमिटेड करना है स्टडी, लेकिन आप जब हायर स्टडी में जाओगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि मेरा जो मेनली हम लोग सर्किट जो यूज करते हैं रियल लाइफ में ना, वो बिना कैपेसिटर का पॉसिबल ही नहीं है। आपका रेडियो, टीवी, फोन, आप कोई भी चीज ऐसा उठा लो उसमें कैपेसिटर रहता ही रहता है। आपका जो पंखा घर में जो फैन है उसमें भी कैपेसिटर रहता है, आप जिसको कंडेंसर बोलते हो। ओके ना, तो बिना कैपेसिटर का आपका कोई भी बेसिक सर्किट पॉसिबल नहीं है। इसका बहुत सारा यूज होता है, लेकिन आपको जो स्टडी करना है, आपको जो आपके सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में स्टडी करना है, वो आपका यूज रिस्ट्रिक्टेड है अप टू ओनली वन यूज, और वो यूज है फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है बोलो सब लोग? फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो कैपेसिटर के बहुत सारे यूज में से एक ये भी आता है कि वो एनर्जी स्टोर करने के काम आता है, या आप बोल सकते हो कि चार्ज स्टोर करने के काम आता है। तो आपको इस चैप्टर में यहीं तक हम लोग रहेंगे रेस्ट्रिक्टेड, इसका और यूज हमको नहीं पढ़ना है। अब सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर कैपेसिटर कैसा दिखता है? आपने बोला कि हम लोग हर सर्किट में यूज करते हैं, तो मैंने आपके सामने कैपेसिटर का एक पिक्चर रखा है। अब आप देख के बताओ कि सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये पिक्चर्स देखे होंगे। मेनली आपको ये वाला दिखता है पिक्चर, ये देखिए, ये आपके फैन में रहता है। आपके फैन में जो कैपेसिटर होता है वो इसी शेप का रहता है, सबने देखा है ना? हाँ बिल्कुल सर। और मेनली जो आपका टीवी होता है, या जो आपका फोन वगैरह होते हैं, या आप ले लो डीवीडी, कुछ भी ऐसा, उसमें आपको मेनली इस तरह के कैपेसिटर दिखते हैं। देखिए ये जो ये आपको जो है ना कैपेसिटर, ये दिखते हैं, या ये छोटे वाले को हम लोग बोलते हैं सेरामिक कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर का काफी सारा टाइप होता है, वो कैसे उनको बनाया जाता है या उनका रेटिंग क्या होता है, उस फॉर्म से वो काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको उतना अभी नहीं जानना है, आपको मेनली इसके बारे में ये सीखना है कि वो कितना चार्ज करता है, स्टोर कितना करता है स्टोर एनर्जी। तो बेसिक मैंने आपको बस पिक्चर ये लिया है कि आपको एक बार समझ में आया कि कैसा ये दिखता है। तो ये सारे पिक्चर्स हैं आपके कैपेसिटर के, डिफरेंट जो होते हैं कैपेसिटर उनका डिफरेंट होता है रीडिंग, उनका डिफरेंट होता है आपका कैपेसिटी, वो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे उसके कैपेसिटी के बारे में। समझ में आया ना? तो ये आपके मेनली आपके ये कैपेसिटर्स ऐसे ही दिखते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन अपने टॉपिक पे, जहां पे हम लोग इस हमको इसके बारे में जो स्टडी करना है। चलो तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है अपना कैपेसिटर। इसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, लेकिन आपको मेनली इस चैप्टर में हम लोग कैपेसिटर ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको कैपेसिटर ही ध्यान रखना। अब एक सवाल उठता है कि सर कैपेसिटर आखिर क्यों पढ़ने को आया? हमने अभी जस्ट उसका यूज सीखा ना कि उसके बहुत सारे यूज होते हैं। देखिए अगर हम बहुत सारे उसके यूज के बारे में बोले ना, तो जो आपका कैमरा का फ्लैश होता है ना, जब आप कैमरा के किसी बटन को क्लिक करते हो तो पता नहीं कि उसमें से फ्लैश लाइट निकलता है, तो उधर कैमरा में भी आपका कैपेसिटर होता है। क्योंकि आप जो कैमरा में बैटरी यूज करते हो ना, उसका पावर उतना ज्यादा नहीं होता है कि वो फ्लैश निकाल सके, तो हम लोग उसमें यूज करते हैं कैपेसिटर। वो कैपेसिटर करता क्या है कि वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है एनर्जी। तो हम जब बटन क्लिक करते हैं ना, तो वो उसमें जो स्टोर होता है बहुत सारा, बोलिए, एनर्जी, वो उसको सप्लाई करता है, वो उसको देता है। तो इसलिए आपका वो फ्लैश लाइट चलता है। मतलब कि अगर आपका कैमरा में कैपेसिटर ना हो तो फ्लैश लाइट आपका वर्क नहीं करता है। फिर जो आपका फैन जो होता है, फैन में भी आपने कितना बार ऐसा सुना होगा कि आपका पंखा बहुत स्लो चलते रहता है, तो लोग बोलते हैं कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है। मतलब कि वो उसको सफिशियंट जो होता है, बोलिए, एनर्जी, वो सप्लाई नहीं कर पाता है, तो हम लोग उसका कंडेंसर चेंज करते हैं। प्लस जो आपका होता है ना रेडियो, उसमें हम लोग ट्यूनिंग करने के लिए, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए भी हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे इसके वेरियस इसके
एप्लीकेशन से। पक्का? चलिए अब हम लोग मेनली आते हैं इस कैपेसिटर वाले टॉपिक पे, हम सिलेबस से भटकेंगे नहीं। बस मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट आ पाए पढ़ने के लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कैपेसिटर क्यों आया हमारे जीवन में, क्यों लाइफ में। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हमने अभी तक क्या सीखा है कि किसी बॉडी पे चार्ज आता है, ऐसे चार्ज हम लोग ला सकते हैं। बहुत सारे हम लोग सीखे थे मेथड ऑफ चार्जिंग भी। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको चार्ज कहीं स्टोर करके रखना है, और चार्ज स्टोर करके रखने का मतलब ये हुआ कि हम उसमें स्टोर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं आपसे पूछूं कि आप एक ऐसा मेथड हमको बताओ कि हम जहां पे चार्ज स्टोर करके रख सकें ताकि जब मेरे को काम लगे तो हम उस चार्ज को यूज कर सकें। अच्छी बात है सर, हाँ बिल्कुल। तो अब आप सोचो कि कैसे हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अब ऐसा ये हो नहीं सकता है कि हम चार्ज को लेके अपने हाथ पे लेके घूम रहे हैं, ऐसे हम लोग चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएंगे कि हम बस सर हम चार्ज लिए और अपने हाथ पे लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे आपका चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना? तो वही अपने को सोचना था, साइंटिस्ट लोग को सोचना था कि आप एक प्रैक्टिकल वे बताओ जिससे हम लोग चार्ज को स्टोर कर पाए। और वहां से साइंटिस्ट लोग जो थे इतना, तो वो लोग एक कंक्लूजन पे आए कि अगर आपको चार्ज को स्टोर करना है तो आप उसको एक कंडक्टर पे स्टोर कर लो। कैसे करेंगे उसको हम लोग? कंडक्टर पे स्टोर कर लो, और जब आपको क्या पड़े, जब आपको उसका काम पड़ेगा तो आप वो कंडक्टर से ले लेना। समझ में आया ना? तो ये एक प्रैक्टिकल वे है चार्ज को स्टोर करने का, कि ऑन अ कंडक्टर। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि सर हम लोग एक कंडक्टर पे चार्ज तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना? क्या उस पे हम लोग इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं क्या, या क्या उसका एक लिमिट होता है? तो हम अगर थ्योरेटिकली बात करें, थ्योरेटिकली मैं बात कर रहा हूँ थ्योरी से, तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हम लोग किसी एक के कंडक्टर पे इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियल लाइफ, आप एक लिमिट तक ही किसी पे भी चार्ज स्टोर कर सकते हो। उस लिमिट के बाद चार्ज जो होता है वो उस कंडक्टर से लीक होने लगता है। क्या होने लगता है? उस कंडक्टर से लीक होने लगता है। वो कैसे होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली हर एक कंडक्टर का एक लिमिट होता है। क्या होता है? एक लिमिट होता है। और वो जो उस कंडक्टर का लिमिट है, जो उसका क्षमता है, जो उसका औकात है ना, वो होता है मेजर्ड बाई अ वैल्यू कॉल्ड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में जब भी आपको कैपेसिटर आएगा तो ये एक टर्म जरूर आएगा, और उस टर्म का नाम है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस होता क्या है? किसी भी कंडक्टर का क्षमता, ताकत, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो होता है मेजर्ड बाई कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, और उसका जो क्षमता होता है वो होता है मेजर्ड बाई कैपेसिटेंस। समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल। तो कैपेसिटेंस भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा एक बात आप लोग और ध्यान रखना, इस लेक्चर में या इस पूरे चैप्टर में जब भी हम लोग ना कैपेसिटर का बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसका? कैपेसिटर का। तो हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। एक्चुअली होता क्या है ना कि या आप सिंगल कंडक्टर भी यूज करके चार्ज स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपने अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर यूज किया है ना, तो आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाता है। वो क्यों होता है वो मैं अभी आपको आगे लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको जो बेसिक बातें हैं वो अभी समझा देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें मेनली लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। एक आइसोलेटेड कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर भी चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन वो कम करता है। इसलिए हम लोग उसको प्रैक्टिकल में यूज नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। देखो कहीं कहीं किसी बुक में आपको ऐसा भी मिल जाता है कि हम लोग सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे साइड में एक टर्म और लिखा रहता है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरा जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट पे होगा, बहुत दूर होगा। ठीक है ना? तो आप अगर सिंगल कंडक्टर को कैपेसिटर बोलना चाहते हो तो आपको ऐसा मानना होगा कि एक और वहां पे कंडक्टर था, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा दूर था, इनफाइनाइट पे था। पक्का ना? तो ये आपको डाउट ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये समय दे रहा हूं। समझ में आया ना? मेनली इस चैप्टर में हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर लेंगे, और मेनली हम लोग दो कंडक्टर लेके एक कैपेसिटर फॉर्म करेंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने यहाँ पे कुछ कहानी लिखा हुआ है, वो मैं कहानी आपको एक बार रीड करता हूँ कि अ प्रैक्टिकल वे ऑफ हैंडलिंग फ्री चार्ज वुड बी टू पुट इट ऑन अ कंडक्टर फुल स्टॉप। द वन यूज ऑफ अ कंडक्टर टू
इज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक यूज हुआ किसका, कंडक्टर का, स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर एनर्जी, जो हमने अभी जस्ट आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एवरी कंडक्टर हैज इट्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टोरिंग चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि उसका एक लिमिट होता है। हर एक कंडक्टर का अपना एक क्षमता होता है, अपना एक औकात होता है, उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता है। वो लिमिट क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो लिमिट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल आप इसको ध्यान रखना। बियॉन्ड द लिमिट मतलब कि अगर उसके लिमिट से आपने ज्यादा उसको चार्ज दे दिया, बियॉन्ड द लिमिट द डाई इलेक्ट्रिक, या इसको आप बोलना मीडियम, द डाई इलेक्ट्रिक या फिर मीडियम, जिस मीडियम में हमने कंडक्टर को रखा है, या इसको बहुत जगह आपको इंसुलेटर भी कहते हुए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, इंसुलेटर भी बोलते हुए। तो जब भी आपको बोले डाई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या फिर इंसुलेटर, तो वो तीनों सेम चीज का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो कंडक्टर यूज किया है वो आपने किसी ना किसी मीडियम में तो उसको रखा ही होगा ना, तो वही बात कर रहा है मीडियम का। कि अगर आपने उस कंडक्टर को एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दे दिया, क्या किया, एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दे दिया, तब क्या होता है ना कि वो जो आपका इंसुलेटर था, तब जो आपका वो जो मीडियम था ना, वो हो जाता है आयनाइज। क्या होता है वो मीडियम आपका हो जाता है, बोलिए, मीडियम आपका हो जाएगा आयनाइज, और तब उस कंडक्टर से चार्ज लीक करने लगेगा, तो फिर स्टोर करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए मैंने बोला कि हर कंडक्टर का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, वो लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो मैं अभी आपको जस्ट सिखाऊंगा, फिलहाल आप ये जानो इसको। देखिए हमने क्या लिखा कि बियॉन्ड द लिमिट द डाई इलेक्ट्रिक या फिर मीडियम या फिर इंसुलेटर इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड, इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड बिकम्स आयनाइज एंड चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग। अब ये सवाल उठता है कि सर हम लोग कैसे, हम लोग पता करेंगे, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं और कितना चार्ज देने के बाद वहां से चार्ज लीकिंग होने लगेगा। तो उसके लिए आपको मीडियम का एक एक पढ़ना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या फिर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो चलिए वो सीखते हैं कि वो क्या होता है। चलो तो अब करते हैं हम लोग चर्चा ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये देखिए, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, ये आपका होता है मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक या फिर हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर का कैरेक्टरिस्टिक, जिस मीडियम में हमने कंडक्टर को प्लेस किया है। अभी होता क्या है वो सीखते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कंडक्टर विच कैन मीडियम विथस्टैंड विदाउट आयोनाइजिंग इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब कि वो जो कंडक्टर आप जिस पे चार्ज स्टोर कर रहे हो, तो क्या होता है कि आप जितना ज्यादा उस पे चार्ज दोगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब उसका पोटेंशियल आप जो इंक्रीज कर सकते हो वो एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हो, और वो लिमिट कौन बताएगा, वो लिमिट बताएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द मीडियम या फिर ऑफ द इंसुलेटर। ये एक ऐसा वोल्टेज होता है ना जिसके बाद आपका इंसुलेटर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। अब आप बोलोगे सर ये बात आप क्या बोल रहे हो, हमने आज तक यही सीखा है कि आपका इंसुलेटर फ्री चार्ज को वो नहीं करने देता है, करंट को कंडक्ट नहीं करने देता है, तो ये नया टर्म क्यों आया। तो देखो किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, किसी भी चीज का एक लिमिट होता है। अगर वोल्टेज कम रहता है तब आपका जो है इंसुलेटर वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है ना, कोई भी इंसान या कोई भी चीज होता है तो उसका एक ब्रेकडाउन लिमिट होता है कि उसके बाद वो फिर अपना चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही मीडियम का भी, इंसुलेटर का भी एक लिमिट होता है, और उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब कि आपको उस कंडक्टर को उतना ही चार्ज देना है ताकि उसका पोटेंशियल इससे ज्यादा ना हो जाए, समझ जाए ना। तो वो उसका हुआ लिमिट। अब हमको इन सारी बातों का ध्यान रख के मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज उस कंडक्टर पे स्टोर करना है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि उसका पोटेंशियल इससे ज्यादा ना हो जाए, समझ में आया। हाँ सर बिल्कुल। और ये जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, वो मीडियम का खासियत होता है, वो कंडक्टर का खासियत नहीं है, वो है आपका खासियत ऑफ मीडियम जहां पे हमने चार्ज एक उस कंडक्टर को प्लेस किया। देखिए नेक्स्ट चीज इसमें एक और आता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो होता है वोल्टेज, और ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, ये भी आपका उसी मीडियम का ही होता है, और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कि मैक्सिमम कितना फील्ड वो मीडियम आपका विथस्टैंड कर सकता है, फिर से विदाउट ब्रेकडाउन।
उसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो फिर से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हम उस कंडक्टर को उतना ही चार्ज दे सकते हैं ताकि उसके आसपास का फील्ड इससे ज्यादा ना बढ़ जाए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा ना हो जाए। और ये भी आपका मीडियम टू मीडियम वेरी करता है, फॉर हवा, फॉर एयर, फॉर एयर इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। देखिए तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ, ठीक है ना, ये बहुत हाई वैल्यू है। मतलब कि आप अगर हवा में भी इससे ज्यादा का फील्ड आप अगर अप्लाई कर देते हो तो हवा विल बिकम कंडक्टर। समझ में आया ना? तो हमको जब भी ऐसा किसी कंडक्टर पे चार्ज देना होगा तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे, कोशिश कि हमको ऐसा करना होगा कि उसपे जो फील्ड बने वो इससे कम बने 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से, या जो उसका वोल्टेज बने वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम बने। तो आपको क्वेश्चन में ये सब मेंशन दिया रहेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वहां से हम लोग चेक करके यूज कर लेंगे। फिलहाल आपको इसे मेन कंसेप्ट समझ में आया ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि हम लोग किसी भी कंडक्टर पे एक लिमिट तक ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अब अपने जो अपने आप पर्पस क्या है, अपना बोलिए क्या है अपना, हम लोग जो ये कैपेसिटर स्टडी कर रहे हैं इसका पर्पस क्या बता रहा है आपको कि हमको चार्ज स्टोर करना है कंडक्टर पे। लेकिन हमको ये भी बात ध्यान रखना है कि उसका वोल्टेज या उसका ये जो हमने लिमिट सीखा है ये लिमिट को पार ना कर जाए। तो इस लिमिट को ध्यान में रख के मेरे को मैक्सिमम चार्ज उस पे रखना है। समझा है ना? तो अपने को यही स्टडी करना है कि इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए हम उस कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं और वो चार्ज स्टोर करने की क्षमता हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और उन सारे सवालों का जवाब आपका देगा कैपेसिटेंस। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं अपने कैपेसिटेंस वाले टॉपिक पे। फिलहाल आप इसको कॉपी कर लो, ये बहुत ही यूजफुल है फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। इसीलिए आप अगर किसी कैपेसिटर को देखते हो, आप जाना अगर आपके पास अगर कोई ऐसा टूटा हुआ टीवी भी हो तो उसमें से एक कैपेसिटर निकालना और देखना कि उस पे आपको एक वोल्टेज रेटिंग दिया रहता है और वो वोल्टेज रेटिंग उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ही होता है कि उससे ज्यादा आप अगर वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो वो आपका कैपेसिटर जल बुझ जाएगा। समझ में आया ना? तो इसके लिए ये आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसका आपके बुक में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया रहता, लेकिन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे क्वेश्चंस भी आपका बन सकता है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अपने पिछले टॉपिक पे आ जाते हैं। चलो, तो हम लोग दो पॉइंट हमने सीख लिया था ना, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है कि द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर स्टोरिंग चार्ज इज मेजर्ड बाय इट्स कैपेसिटेंस। मतलब कि क्या होता है कि कैपेसिटेंस एक ऐसा वैल्यू होता है जो हमको बताता है कि मेरा कंडक्टर कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब कि हमको जो हमने सीखा ना अभी, तो वो वोल्टेज पार भी नहीं करना चाहिए, तो उस वोल्टेज के अंदर ही रह के आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो वो आपका बताता है कैपेसिटेंस। इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे अभी बिल्कुल अच्छे से। चलिए आप लोग फिलहाल ये जान लीजिए क्या होता है कैपेसिटेंस। अब हम लोग आते हैं उसके फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे, तो देखते हैं जरा कि उसके बाद मैंने क्या लिखा है। तो उसके बाद हमने लिखा है कि कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर ईच अदर और उनपे चार्ज होना चाहिए अपोजिट हैज हायर वैल्यू देन कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हम लोग इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर मेरे को चार्ज स्टोर करना है तो हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर, मतलब कि हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाता है विदाउट अचीविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज। और वही हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ टू कंडक्टर्स और दो कंडक्टर्स आपको ऐसे लेने हो कि उनपे चार्ज हो अपोजिट प्लेस्ड नियर ईच अदर हैज हायर वैल्यू देन कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। मतलब कि आपके पास अगर एक कंडक्टर था, सिंगल कंडक्टर, उसका आपने फाइंड किया कैपेसिटेंस वैल्यू, वही आपके पास एक सिस्टम में दो थे कंडक्टर जो दोनों एक दूसरे के करीब थे और दोनों पे चार्ज का नेचर था अपोजिट, तो ऐसा देखा गया कि जो दो कंडक्टर वाला केस था ना, वहाँ उसका कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा था और वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा था। ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझाने आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर इज ज्यादा यूजफुल। ठीक है, चलिए अच्छी बात है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स फॉर्म्स कैपेसिटर्स। मतलब कि दो आप जब दो कंडक्टर लोगे विथ अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज तो वो फॉर्म करेंगे कैपेसिटर्स, और आपको इसमें कैपेसिटर्स ही भरना है। हम लोग यहाँ तक कि हम लोग
आइसोलेटेड कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, लेकिन हमको मेनली जो पढ़ना क्या है वो हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। चलिए सर बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, थोड़ा सा और हम लोग जाते हैं डीपली, और अपना अपना टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। सर आपने तो ये बात बोल दिया कि आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कम होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग आखिर ये कम और ज्यादा वाला वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मैं आंसर लेके अभी आ गया हूँ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं सर। तो हमने इसके लिए लिखा है कि व्हेन अ चार्ज क्यू इज गिवेन टू अ कंडक्टर देन द पोटेंशियल वी, अगर आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया है तो क्या होगा कि उस कंडक्टर का कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ वोल्टेज हो जाएगा, और वो वोल्टेज हमने वी से लिखा है। तो जब हम व्हेन अ चार्ज क्यू इज गिवेन टू अ कंडक्टर देन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चार्ज, उसके जो पोटेंशियल होगा वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके लिए, फॉर अ सिंगल, ये हम बात कर रहे हैं फॉर अ आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब कि उसके आसपास कोई भी कंडक्टर नहीं है, समझ में आया ना। या अगर आप बोलोगे कि, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो क्या कि अगर आपके पास एक सिंगल कंडक्टर है तो आप ऐसे बोलना कि उसके आसपास कोई कंडक्टर नहीं है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि उससे अगर कोई कंडक्टर है भी तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, समझ में आया ना। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो आइसोलेटेड कंडक्टर को। चलिए अब इसके हम लोग और करते हैं चर्चा। तो कैपेसिटर एक उस कंडक्टर का पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अब हमने यहां से क्या देखा कि जब हमने ये सब सारा साइन वगैरह यूज करके हमने चेक किया तो क्या आया कि क्यू बाई वी आया कॉन्स्टेंट, क्या आया कि चार्ज ऑन द कंडक्टर डिवाइडेड बाई उस कंडक्टर का वोल्टेज पोटेंशियल, वो आता था एक कॉन्स्टेंट, वो आता था एक कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को हमने नाम दिया है सी, एंड सी इज नथिंग बट कैपेसिटेंस, सी इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। मतलब कि जब भी आपको किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो आप Q बाई वी का रेशियो फाइंड कर लेना, जो भी आएगा वो उसका कैपेसिटेंस बताता है, और कैपेसिटेंस होता क्या है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। चलिए मैं आपको अभी ये भी सिखाऊंगा एक लेके एग्जाम्पल कि कैसे हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ज्यादा है तो वो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है। उससे पहले आप कुछ और थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द, इसका क्या होता है डेफिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाई वन वोल्ट, बाई वन वोल्ट। मतलब कि कैपेसिटेंस क्या होता है कि हम किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दें ताकि उसका वोल्टेज, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज कर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर को 5 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करता है तो हम बोलेंगे कि उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 है। समझ में आया ना। हाँ सर बिल्कुल। तो यही उसका बेसिक डेफिनेशन है। अब आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं उसके यूनिट्स के बारे में। तो इन ऐसा यूनिट, इसका यूनिट होता है, देखिए तो सी है क्या, चार्ज बाई वोल्टेज ना, मतलब कि कूलम पर वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ, बोलिए एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम दे दिया गया, और उसको हम लोग बोलते हैं फैराड, तो आपको मेनली क्वेश्चन में जो मिलेगा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस तो वो आपको मिलेगा फैराड में, या इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, सबको याद रहेगा ना। तो एसआई यूनिट इज फैराड। ओके, इसका डिमेंशन होता है m टू द पावर माइनस 1, l टू द पावर माइनस 2, t का पावर 4, a का पावर 2। दिस इज द डिमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ये आपको बेसिक बातें समझ में आई ना। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। अब मैं आपको जा रहा हूँ समझाने कि कैसे कैपेसिटेंस हेल्प करता है ज्यादा चार्ज स्टोर करने में। तो आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। हम क्या जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, पक्की बात है। हाँ सर। तो अब हम लोग जा रहे हैं सीखने कि कैसे अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो वो चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकता है। हमने क्या सीखा कि कैपेसिटेंस को हाउ वी डिफाइन कैपेसिटेंस, कि कितना हमको चार्ज चाहिए उसका वोल्टेज 1 वोल्ट से इंक्रीज करने के लिए। अब मान लीजिए कि मेरे पास दो कंडक्टर हमने लिया है,
इसको नाम दिया हमने वन और इसको हम नाम दिया है कंडक्टर टू, ठीक है ना। और हमने इन दोनों को एक मीडियम में प्लेस किया है और इस मीडियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है मान लीजिए 100 वोल्ट। कितना है इस मीडियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट। मतलब कि आप इन दोनों कंडक्टर को मैक्सिमम चार्ज उतना ही दे सकते हो ताकि इनका पोटेंशियल 100 वोल्ट की रहे, उससे ज्यादा ना हो जाए। समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल। अब चलिए मेरे पास दो है कंडक्टर वन और टू और इन दोनों को मैंने एक मीडियम में रखा है और उस मीडियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 100 वोल्ट। अब मान लीजिए कि हमने बोला कि ये जो आपका कंडक्टर वन था उसका कैपेसिटेंस वैल्यू है 10 फैराड और ये जो आपका जो कैपेसिटेंस ये जो आपका कंडक्टर टू है इसका कैपेसिटेंस वैल्यू है 5 फैराड। बहुत अच्छे। हाँ सर। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग इस वन को और दो को चार्ज वैसे ही दे सकते हैं ताकि इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट से ज्यादा ना हो, यही ना सर? हाँ सर बिल्कुल। मतलब कि ये जो आपका कंडक्टर वन है इसका मैक्सिमम पोटेंशियल 100 वोल्ट हो सकता है, ये जो आपका कंडक्टर टू था उसका भी मैक्सिमम पोटेंशियल 100 वोल्ट भी हो सकता है। अब आप एक बार चेक कर लो इस 100 वोल्ट के लिए इस कंडक्टर वन ने कितना चार्ज स्टोर किया। तो अगर हमको सी और वी पता है तो फ्रॉम फॉर्मूला क्यू क्या हो जाएगा, बोलिए सी इंटू वी क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी कितना था बोलिए, सी है 10 वन का और वी कितना आपको लेना है 100। तो चार्ज कितना आया बोलिए, चार्ज आया 1000 कूलम। वहीं पे हम अगर बात करें इस सेकेंड कंडक्टर का तो इसका कितना है, इसका कैपेसिटेंस वैल्यू है 5 और इसका मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है 100। तो इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हुआ, 500 कूलम। अब देखो आपको साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा था उस पे हम लोग मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर पा रहे थे। तो वही हमने बोला कि अपना मेन पर्पस है क्या, आपका मेन पर्पस है क्या कि आप उसका कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज करो ताकि आप उस पर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओ। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा कि ज्यादा चार्ज देने से उसका पोटेंशियल करता है इंक्रीज। समझ में आया ना? तो आपको अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चार्ज उसको देना पड़ेगा, मतलब कि वो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। तो बेसिक बात यही है आपका, इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटर भी पढ़ते हैं कि वहां पे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर करने से आपका कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। समझ में आया ना? अच्छा मैं आपको एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ। देखो वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने क्या सीखा कि सी इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। अब कुछ बच्चे को ये लगता है ना कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज, और ये एक मिथ्या है, ये एक गलती है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये आप लोग याद रखना, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल या वोल्टेज, चार्ज क्यू एंड वोल्टेज भी फॉर अ गिवेन कंडक्टर आपका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वो उसके चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। देखो मैंने बोला है फॉर अ गिवेन कंडक्टर, हमने क्या बोला फॉर अ गिवेन कंडक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके आपके पास एक कोई होगा कंडक्टर, एक कंडक्टर फिक्स रहेगा, उसका आप शेप साइज मीडियम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, उसके आसपास आप कोई और दूसरा कंडक्टर भी लेके नहीं आ सकते हो। देखो मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ कि फॉर अ गिवेन कंडक्टर, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है पहले से, अगर मैं उसके आसपास दूसरा कंडक्टर लेके आऊं तब उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करता है, ठीक है ना। और उस केस में उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज क्यों करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको ये ध्यान रखना कि फॉर अ गिवन कंडक्टर, अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर उसका वोल्टेज चेंज किया है तो उसका चार्ज भी चेंज करेगा, और वो ऐसे चेंज करेगा कि उसका क्यू बाई वी का रेशियो हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रख लेना कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, इट इज इंडिपेंडेंट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप उस कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा कंडक्टर लेके आओगे तब उसका कैपेसिटेंस चेंज करेगा, और वो चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज ही, वो चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज। और वहां पे हम लोग चेंज इन वोल्टेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने वहां पे उसका क्या, आपने उस सिस्टम में कुछ चेंज किया है ना, आपने एक दूसरा कंडक्टर उसके पास लेके आए हो।
समझ में आए ना। लेकिन अगर आपके पास एक ही कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, आप उसके पास अगर कोई दूसरा और कंडक्टर लेके नहीं आते हो, तब आप उसका अगर वोल्टेज चेंज करोगे तो उसका चार्ज भी चेंज कर जाएगा। लेकिन जो आपका सेकेंड केस में क्या होगा, जब हम उसके आसपास कोई कंडक्टर लेके आएंगे तो वहां पे हम चार्ज चेंज नहीं करेंगे, वहां पे चार्ज आपका कंडक्टर पे सेम ही रहेगा। तो विदाउट चेंजिंग चार्ज हम उसका पोटेंशियल चेंज कर देंगे, तब उसका कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा। कब? जब हम लोग कंडक्टर के पास दूसरा कोई कंडक्टर लेके आएंगे। आप इसको, आप लोग इसको याद रखना हमेशा ही, समझ में आया ना। तो जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग वो जब कॉम्बिनेशन ऑफ हमको कैपेसिटर पढ़ना होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, तो हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आइसोलेटेड कंडक्टर का वैल्यू, मतलब कि आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस वैल्यू फाइंड करने। उसके बाद हम लोग आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। चलो तो अब हम जा रहे हैं फाइंड करने कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने एक यहाँ पे सिंगल लिया है कंडक्टर, इसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है, या आप बोल सकते हो कि इससे जो और कंडक्टर्स जो हैं वो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस में, ठीक है, इसके नियर कोई नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर। चलिए हमने इसको चार्ज दिया है क्यू। कंसिडर अ स्फेरिकल कंडक्टर गिवेन अ चार्ज क्यू। तो इसको चार्ज देने से इसका पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर, ये सबको पता है ना, के क्यू बाई आर। हाँ सर बिल्कुल पता है। या आप इसको लिख सकते हो क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट आर, पक्की बात है ना। हाँ सर। तो इसका ये हो गया पोटेंशियल। अब बताओ कि हमको फाइंड करना हो कैपेसिटेंस, तो हमने क्या सीखा है कि जस्ट फाइंड कर लो आप रेशियो ऑफ चार्ज बाई चार्ज टू उसका पोटेंशियल। तो बोलो क्या आएगा यहाँ से, देखो इसका आ जाएगा 4 पाई एप्साइलन नॉट आर। क्या आया? 4 पाई एप्साइलन नॉट आर इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब आप देख के बताओ कि क्या इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर, ये चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये किस पे कर रहा है डिपेंड, ये किस पे कर रहा है? तो देखो उसके रेडियस पे, मतलब कि उसके साइज पे, और ये किया है डिपेंड क्या, एप्साइलन नॉट पे। और हमने क्या माना है कि अभी यहाँ पे या तो हवा था या फिर वैक्यूम था, मतलब कि ये और एक करता है डिपेंड कि ये इसको हमने कौन से मीडियम में रखा है। तो आप लिखो यहाँ पे कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर वन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, नंबर टू मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, आपने कौन से मीडियम में कंडक्टर को रखा है, और थर्ड पॉइंट प्रेजेंस ऑफ नियर बाई कंडक्टर, ठीक है ना। इस थर्ड पॉइंट पे अभी हम चर्चा करेंगे आगे जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको शुरू से ही बताते जा रहा हूँ कि जैसे ही आप इसके पास दूसरा कंडक्टर लेके आओगे इसके करीब में, तो फिर इसका कैपेसिटेंस चेंज कर सकता है और वो इंक्रीज करता है। उसके हम लोग चर्चा अभी आगे करना है अपने को। फिलहाल आप ये तीन फैक्टर्स को याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या माना है कि हमने इस कंडक्टर को रखा है कहाँ पे, एयर या फिर वैक्यूम में। अब मान लीजिए कि हमने इस कंडक्टर को एक ऐसे मीडियम में रखा, एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका रिलेटिव क्या है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्साइलन आर, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। उस केस में जो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बोलो, तो 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर इंटू रेडियस, या फिर आप बोल सकते हो कि 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू के इंटू आर। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस कंडक्टर को हवा या फिर वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में रखते हो तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आप इन सारे बातों को याद रखना, इसके हम लोग और भी चर्चा अभी आगे करते हैं। और ये जो आपका आया है फॉर्मूला, ये आया है फॉर सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 4 पाई एप्साइलन नॉट आर, या फिर आप बोलना इसको 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, जब हम लोग इसको किसी मीडियम में रखेंगे, या आप इसको सिंपली बोल सकते हो 4 पाई एप्साइलन आर, यार एप्साइलन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। चलो इसमें हम लोग थोड़ा और आगे करते हैं चर्चा। चलिए तो नोट्स में हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स है कि अर्थ आल्सो बिहेव एज अ स्फेरिकल, एज अ बिहेव एज अ बोलिए स्फेरिकल कैपेसिटर, और उसका कितना होगा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर ई, आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो कि आपका होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। जब हमने इसका वैल्यू पुट किया तो देखिए आया वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज
711 माइक्रो फराड, कितना आया 711 माइक्रो फराड। अच्छा देखो यहाँ पे हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट किया है 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि हमको पता है ना कि k इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 10 इंटू 10 टू पावर 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन इज 1 बाई 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, आप इसको ध्यान रखना। तो अर्थ का कितना आया 711 माइक्रो फराड। अब ध्यान से देखो कि अर्थ इतना बड़ा स्फीयर था तब उसका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आया है वो 1 फराडे से भी कम आया है, मतलब कि वो आया है माइक्रो फराड में। और हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं कैपेसिटेंस, उसका तो और भी साइज छोटा होता है, होता है ना। इसका मतलब कि 1 फराडे का कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है 1 फराडे का कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यूज करते हैं वो हम लोग माइक्रो फराड में ही यूज करते हैं। तो आपके घर में जो कैपेसिटेंस मिलेंगे देखना आप उस पर माइक्रो फराड में ही उनका रेटिंग होता होगा, समझ में आया। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज माइक्रो फराड, ये आप लोग इसको नोट कर लो। अच्छा सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है कि मान लो कि आपके पास दो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर थे जिनका रेडियस आर वन और आर टू था, और उनके कैपेसिटेंस का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा आर वन बाई आर टू। ये बातें आप लोग इसको याद रख लेना कि रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मीडियम इज आर वन बाई आर टू। इसको याद करो, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी भी कर लो। अब चलिए एक दो लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट अपना और क्लियर हो जाएगा। चलो तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए, बहुत ही बेसिक हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि अ कंडक्टर गेट्स अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रो कूलम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट, कैलकुलेट कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कि आपसे कैपेसिटेंस ही बोल रहा है, ठीक है ना, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखो तो हमको चार्ज पता है कितना, चार्ज हमको पता है 50 माइक्रो कूलम, और हमको बोला है कि बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट है और इसी बैटरी से हमने कंडक्टर को चार्ज किया है। तो क्या होगा कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, मतलब कि आपको पोटेंशियल भी कितना मिल गया है 5 वोल्ट। अब बोलो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्यू बाई वी, यही ना। तो 50 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट, बोलो क्या होगा, तो यहां से आ जाएगा 10 माइक्रो फराड। 10 माइक्रो फराडे इज द, बोलिए 10 माइक्रो फराडे इज द कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस ऑफ द गिवेन कंडक्टर। जल्दी से फिर चलो तो आप करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर इज 50 माइक्रो फराड एंड ऑन इमर्जिंग इट इनटू ऑयल इट बिकम्स 110 माइक्रो फराड, कैलकुलेट द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ऑयल। चलिए तो मेरे पास है क्या स्फेरिकल कंडक्टर जो कि था आइसोलेटेड, तो इन एयर कितना होगा बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही ना। इन ऑयल बोलिए क्या होगा उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू आर, यहाँ पे के क्या है, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ऑयल, यही ना। तो हमको फाइंड करना है यही वैल्यू ऑफ के, जल्दी से तो आप ये इसका यूज कर लो, रेशियो कैपेसिटेंस इन ऑयल डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इन एयर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो ये सिंपली यहाँ से मिल जाएगा के, मतलब के क्या होगा, के इज नथिंग बट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन ऑयल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर, मतलब कि 110 माइक्रो फराड डिवाइडेड बाई 50 माइक्रो फराड। आप इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.2। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो जो आपका ऑयल था उसका 2.2 हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड करते हैं। टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल ड्रॉप्स एट पोटेंशियल वी कोलाइज टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप फुल स्टॉप। इफ कैपेसिटी ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप इज सी देन फाइंड कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से रीड करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबने क्वेश्चन को रीड किया ना, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। मेरे पास दो स्फेरिकल ऐसे
कंडक्टर हैं, मैंने मान लिया कि इनका इन दोनों का रेडियस स्मॉल आर था, ठीक है ना, इन दोनों का रेडियस ऐसा स्मॉल आर था, और बोला है कि इन दोनों को हमने भी वोल्टेज तक चार्ज किया है, हमने इन दोनों को भी वोल्टेज तक पहले चार्ज किया, पक्की बात ना? हाँ सर बिल्कुल, हमने इन दोनों को भी वोल्टेज तक चार्ज किया है। और मेरे को क्वेश्चन में यह भी मेंशन है कि इन दोनों का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू था इनिशियली, वो दोनों का सी और सी था, पक्का? हाँ सर बिल्कुल। तो अब बताओ कि अच्छा, ये पहले हमको ऐसा सिचुएशन दिया है और बोला क्या कि इन दोनों को मिला के हमने एक लार्ज ड्रॉप फॉर्म कर लिया, तो हमने मान लिया कि लेट इस लार्ज, ये जो ड्रॉप फॉर्म हुआ है उसका रेडियस था कैपिटल आर, तो ये जो नया ड्रॉप फॉर्म हुआ है, इसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होगा बोलिए? तो 4πε0 × इसका रेडियस आर, पक्का? तो अगर हम इस नए वाले ड्रॉप का रेडियस फाइंड कर ले तो हमको नया कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हमको वही क्वेश्चन में पूछा भी है। और दूसरा जो हमसे पूछा है कि पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, तो पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप फाइंड करने के लिए क्या हम लोग वी विल यूज की चार्ज ऑन जो आपका न्यू ड्रॉप फॉर्म हुआ है या फिर आपका जो लार्जर ड्रॉप फॉर्म हुआ है डिवाइडेड बाई उसका कैपेसिटेंस, यही ना? अब देखिए कि हम लोग अगर इस लार्जर ड्रॉप का रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हम लोग उसका कैपेसिटेंस फाइंड कर लें। अब सवाल उठता है कि इसका हम लोग चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान दीजिए कि आपने इन दो स्मॉल ड्रॉप को मिला के नया ड्रॉप फाइंड किया है, मतलब कि नए ड्रॉप पे जो चार्ज आने वाला है ना, इन तो वो इन दोनों स्मॉल ड्रॉप के चार्ज के समेशन के इक्वल आएगा। अब आप फाइंड कर लो कि इन दोनों स्मॉल ड्रॉप पे कितना चार्ज था, तो दोनों का कैपेसिटेंस सी था और दोनों को हमने वी वोल्टेज तक किया था, हमने इन दोनों को वी वोल्टेज तक चार्ज किया था, मतलब कि पहले पे भी चार्ज होगा सी इंटू वी और सेकेंड वाले में भी चार्ज होगा सी इंटू वी एंड डिवाइडेड बाई सी न्यू, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2CV/C(n)। तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ न्यू, आपका जो ड्रॉप फॉर्म हुआ है। तो मेनली अपना काम क्या है, मेनली अपना काम है कि आप नया कैपेसिटेंस फाइंड कर लो, और नए कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए आपको नया जो स्फीयर बना है उसका आपको फाइंड करना होगा रेडियस। तो रेडियस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐसा आपने क्लास 10 के मैथमेटिक्स में भी सॉल्व किया होगा, हम लोग यूज करते हैं कि वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम था बाद में, मतलब 4π3πr³ + 4π3πr³ = 4π3πR³, वही ना? इन दोनों को मिला के नया फॉर्म हुआ है, आप इसको लिख दो इधर 2 × 4π3πr³ = 4π3πR³। जब आप इसे यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R³ = 2 × r³, यही ना? बोलो जल्दी से, हाँ सर यही आएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि R=(1/3)r। देखो तो ये आया आपका नया रेसिस्टेंस का वैल्यू। ओके सर, अब नया कैपेसिटेंस कितना आएगा बोलो, कितना आएगा? तो आपका नया कैपेसिटेंस आने वाला है 4π₀ 2 × 1/3 × r, यही ना? ये आपका आ गया नया कैपेसिटेंस। हाँ सर बिल्कुल, तो मेरा एक आंसर तो हमको मिल गया, अच्छा देखिए एक बात और ध्यान से, यहाँ से देखिए, हमको इन दोनों जो स्फीयर थे स्मॉल वाले जो आपके ड्रॉप थे उनका मेरे को रेडियस नहीं दिया था, उनका मेरे को कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया था सी, मतलब कि इनका जो कैपेसिटेंस सी रहा होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका होगा 4π₀ × r, मतलब कि यहाँ पे जहाँ भी आपका 4π₀ है वहाँ पे आप यूज कर लो सी, तो सी न्यू आपका आने वाला है C(2)⁻³, तो ये आपका हो गया न्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू। सबको आया समझ में ना? हाँ सर बिल्कुल, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आते हैं कि नए का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, तो नए का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, अच्छी बात है ना? तो देखो क्या होता है, 2CV, तो हमने 2CV को छोड़ दिया वैसे ही, डिवाइडेड बाई सी न्यू कितना आया है C(2)⁻³। देखो जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपका सी से सी हो जाएगा कैंसिल आउट, सी से सी, और यहाँ से आपका बच जाएगा 2²³ × V, तो ये आपका हो गया नया पोटेंशियल ऑफ द वो लार्जर ड्रॉप। सबको सबको याद रहेगा ना, हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, हमने यहाँ पे यूज कर लिया कि आप जब दो उन स्मॉल ड्रॉप को कंबाइन करोगे तो आपका चार्ज कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। ये सबके लिए होमवर्क है, ये
अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग टेंशन मत लेना, टाइम लेके आप लोग सॉल्व करना इसको, कोई चाप नहीं है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। अ रेडियो एक्टिव सोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 10^-3 मीटर एमिट्स बीटा पार्टिकल एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 6.25 × 10^10 पार्टिकल्स पर सेकेंड फुल स्टॉप। इफ द सोर्स इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट्स पोटेंशियल टू राइज बाई 1 वोल्ट एज्यूमिंग दैट 80% ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम द सोर्स। तो आपको ये बताना है कि इससे जो आपका मेटल स्फीयर था उसके लिए कितना समय लगेगा कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज कर जाए। मैं आपको हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। देखो ध्यान से, पहला बात कि पहले तो जो इसका आपको दिया है डायमीटर, वहां से फाइंड करना इसका रेडियस, और यहां से फाइंड करना कि इसका कितना आने वाला है कैपेसिटेंस वैल्यू, C=4π εr। और क्वेश्चन में हमसे ये भी मेंशन है क्या कि ये जो आपका सोर्स है वो इंसुलेटेड है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, मतलब कि इसके आसपास और भी कोई चार्जेस थे नहीं, तो जो भी इसका पोटेंशियल आएगा वो खुद के चार्ज के चलते ही आएगा। हमको इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट दिया है, पोटेंशियल दिया है कितना, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है। अब यहां से आप फाइंड कर लेना कि चार्ज क्या आएगा, तो देखो चार्ज क्या हो जाएगा, C × V। क्या आएगा, चार्ज आएगा आपका C × V, मतलब कि आपको ये जो बीटा पार्टिकल एमिट करता है ना उनसे आपको इतना चार्ज लेके आना है, कितना चार्ज, C × V के बराबर। अब आप बताओ कि अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसमें क्या चेंज आता है, बोलो। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से करता है इंक्रीज, मतलब कि एक बीटा पार्टिकल एमिट करने से उसपे एक, बोलिए, उसपे प्लस ई का चार्ज आएगा, उसपे प्लस ई का चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनका 80% ही एस्केप कर रहा है, मतलब कि अगर टोटल 100 बीटा पार्टिकल एमिट किए होंगे तो उसमें से केवल 80 ही उस सरफेस को से बाहर जाएंगे, तो उस जो आपका सब्सटेंस था उसमें ओनली +80 E का चार्ज आएगा। आपको ये सब तो आपको बस सॉल्व करना है, यही आपका हिंट था। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मैंने आपको आंसर लिख दिया है 6.95 माइक्रोसेकेंड। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे करना, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको ट्राई जरूर करना। सब लोग मेरे से प्रॉमिस करो कि आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कैपेसिटर के बारे में और आगे अपना विश्लेषण बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, मैंने काफी समय दिया आपको बताने के लिए ताकि आपको अच्छे से इसका फील आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय एंड टेक केयर।